हाय दोस्तों, आज से भी हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम ब्लू मैथ में स्वागत है। तो आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट लेके आए। पहला पार्ट बहुत अच्छा पार्ट था, किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस वहाँ पे आप पहले वाले पार्ट को आप देख सकते हो। तो आज फिर सेकंड पार्ट जबरदस्त होगा, कुछ अलग क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट से। टाइम एंड वर्क के हम तीन पार्ट निकालेंगे और आज इसका सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले भाई, हमारे चैनल पर पहली बार दोस्तों, तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, जिससे कि हम जब भी ऑनलाइन आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और एक बार सभी शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार सब शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे लाइव आ सके आसान तरीके से और पढ़ सके। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क का, जो कल के क्वेश्चनों से आगे की बात करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपकी स्क्रीन पर आ रहा भाई। करिए कि एक किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, एक किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ए से क्या भाई 50% अधिक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने टाइम में करने वाला है, बताइए। करिए भाई एक बार इस सभी क्वेश्चन, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार करिए भाई। वो कर रहा है ए अकेला उस काम को कर रहा है 9 दिन में। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो देखो भाई, बी की कार्य क्षमता ए से 1/9 हो गया, ए से 50% अधिक है, मतलब 150/100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, एक जीरो से एक जीरो काटा, पांच का दिया तो इसमें जाएगा भाई 3 बार, और पांच के इसमें दिया 2 बार गया, 3 का फिर इसमें दिया तो 3 बार गया, तो कितना आ गया भाई, 3 × 2 के तो 6, 1/6। और यहां पूछ अपन को बी की क्षमता, तो बी कितने दिन में करेगा भाई, टोटल कार्य को 6 दिन में करने वाला है। बी अकेला उस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। बच्चों कितने दिन भाई, 6 दिन में बी अकेला उस कार्य को समाप्त कर देगा। हमसे क्या बोला है कि ए अकेला काम कर रहा है 9 दिन में, तो इसको अपन क्या कहेंगे, 1/9 हो जाए भाई। तो ए की, बी की कार्य क्षमता ए से एक ही कितने, 1/9, ए से कितनी ज्यादा भाई, 50%। तो अपने आप में कोई चीज 100% होती है, तो अपने क्या किया, 150/100 फिर काटा पर 1/6 है, तो अपने क्या भाई, 6 दिन में बी अकेला उस काम को समाप्त कर देगा। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपकी स्क्रीन पर आने वाला भाई, करिए भाई ये वाला क्वेश्चन करिए सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए सभी विद्यार्थी ये वाला क्वेश्चन। देखो भाई कि ए बी, ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को पूरा 4 दिन में लगा सकता है। मतलब कहने का अर्थ भाई दोस्तों कि ए और बी जो इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए भी टोटल मिला के 8 दिन में करते हैं, और बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो कह रहा है बी अकेला काम करे पूरे को, तो वो क्या भाई, 4 दिन ही लेता है। बी अकेला इस काम को करे तो वो 4 दिन ही लेता भाई, 4 दिन ही लेता है। तो देखो यहां पे अपन क्या माना, एल से माना भाई, तो एल से मार गया 24, अब ये 8 या 24, 3 बार गया और ये 2 बार गया, तो यहां से भाई कितना, बी बराबर कितना आ जाएगा, अपन बी का निकालेंगे तो इसका दोगे 1/2, तो बी अकेला कितने दिन में कर रहा भाई, 4 दिन में कर सकता है, तो इसको 2 बार करेगा तो ये क्या हो गया, 8। अब टोटल काम कितना है, कुल काम 24,
अब 24 में से 8 गया तो कितना बचा? 16। तो 16 दिन क्या है भाई, अकेला कौन करेगा? ये अकेला 16 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा इस प्रकार। लेकिन अपना एक बेसिक तरीका और है भाई कि पूरा काम एक है, एक में से 1/3 चले गया, एक में से 1/3 चले गया, क्या बचे भाई 2/3। अब 2/3 ये काम कितना, टोटल 24 काम है, तो इसको अपन 24 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 8 बार, 8 गुणा किया तो 16, तो ये काम आ गया भाई 16 दिन। इस प्रकार से तुम इसको कर सकते दोस्तों। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते, इस प्रकार से कर लो या इस प्रकार से कर लो। अपन यहाँ पे क्या भाई, बी जो ए अकेला है, ए अकेला इस काम को 16 डेज में कर देगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आसान तरीका से समझ में आया होगा, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन को हल करना है। बेसिक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम के अंदर 100% मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो भाई अच्छे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो एक बार भाई शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और कुछ हटके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर काफी मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम बेसिक तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए भाई बहुत बेसिक तरीका से आपको इस क्वेश्चन को हल करवा देंगे आपको। देखो भाई कि दो आदमी और तीन लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि तीन आदमी और दो लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दो आदमी और एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो भाई क्या बात पूछा कि दो आदमी और तीन लड़का मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और तीन लड़के और दो आदमी 8 दिन में करते हैं। वो पूछता है कि दो आदमी और एक लड़का कितने दिन में करने वाला कार्य। देखो भाई कि दो तो क्या भाई, दो क्या भाई मैन, मतलब आदमी, दो आदमी और तीन बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में करते भाई 10 दिन में करते हैं। फिर आदमी तीन मैन और प्लस टू बॉयज ये कितने दिन में काम करते भाई 8 दिन में काम करते हैं। ये बात मुझसे पूछिए और पूछ कर या भाई अपन को आंसर क्या निकालना, दो मैन और एक बॉयज ये टोटल मिलकर कितने दिन में करने वाला है, ये बात अपन को पूछिए। तो देखो भाई मैं इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मैन प्लस 30 बॉयज बुरा इसको क्या, तो 8 के 24 मैन हो गया और 16 बॉयज हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? मुझे उम्मीद है किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे क्या किया अपन ने, मात्र ऐसे इनको गुना किया है। तो देखो यहाँ पे क्या भाई, 20 बॉयज है और यहाँ पे 24 बॉयज है, सॉरी 20 मैन है और यहाँ पे 24 मैन है, तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे 4 बच जाएगा मैन बराबर 16 में से, सॉरी 30 में से 16 गया तो क्या होता है 14 बॉयज बच गया। तो फिर क्या आया भाई, ये काटा अपन ने तो 2 तो मैन आ गया बराबर 7 बॉयज आ गया। तो अपन क्या कहेंगे, जहां 7 लड़के काम करते हैं, जहां 2 आदमी काम करते हैं वहां 7 लड़के काम करेंगे, दो आदमी 7 लड़कों के बराबर है। तो अपन से क्या पूछा भाई यहां पे कि दो आदमी की जगह अपन क्या रखेंगे, 7 बॉयज प्लस 1 बॉयज टोटल कितने हो गए भाई 8 बॉयज, ये बात पूछे। तो अपन यहां पे लिखी भाई ये वाले में दो क्या भाई बॉयज, दो बॉयज की जगह अपन क्या लिखेंगे 7 बॉयज प्लस 3 बॉयज इंटू 10 बराबर में ये 8 बॉयज हो गया। तो 10 गुणा 10 क्या तो इंटू 8 ये पूछा एक्स, मतलब कि कितने दिन में समाप्त करेगा, तो वहां पर एक्स लिखा तो ये कितना हो गया टोटल भाई 100 हो गया, 100 में अपन 8 का भाग दिया तो यहां क्या निकल गया वो
जो अपन दिन पूछा इनका वो निकल के आ जाएगा। तो दिया भाई कितना, 4000 भाग दिया, 25/2 आ गया, 25/2 आ गया। अब इसमें भी भाग दिया तो मैंने कितनी बार गया भाई, 12/1/2 डेज इसका भाई आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को क्या कहेंगे अपन, दो तो क्या भाई लड़के और एक लड़का दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12.5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे भाई। इस प्रकार से हम इस काम को जो टाइम निकल गया टोटल वो 12.5 दिन निकल के आया, दो आदमी और एक लड़का मिलकर 12.5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर अपन इसको रिवाइज करवा देते भाई, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन को हल करना है, किस प्रकार से। देखो भाई अपन को पूछा कि दो आदमी और तीन लड़के मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तीन आदमी और दो लड़के मिलकर 8 दिन काम करते हैं। इसी प्रकार से अपने इसको कंप्लीट किया भाई, गुना किया, 20 मैन हो गए और 30 बॉयज हो गए। इस प्रकार से अपने इसको घटाया तो भाई 2 मैन = 7 बॉयज आया अपने पास में। फिर अपन ने भाई यहाँ पे इसको रखा कि 2 बॉयज की जगह अपन कैसे लग सकते, सॉरी 2 मैन की जगह 7 बॉयज लग सकते और एक ये, तो 8 बॉयज हो गया। उसके बाद अपन ने ये किया तो भाई आंसर आया 12.5 दिन। तो भाई एक बार आपको अच्छा लगा कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्वेश्चन, तो आप भाई एक बार लाइक तो बनता है, जो बच्चे देख रहे वो लाइक तो करें प्लीज, सभी लाइक करें यार, शेयर करें यार, और अपने दोस्तों में जो उतनी भी है फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप सभी में शेयर कर दो। ये मेहनत आपके लिए तो की जा रही है, जो सब कुछ किया जा रहा है जो आपके लिए किया जा रहा है भाई, और आप इतना भी नहीं कि लाइक नहीं कर सकते, लाइक करना तो बनता है भाई, सभी विद्यार्थियों को लाइक करना बनता है, एक बार तो सभी लाइक कर दीजिए, कम से कम एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी और अच्छी तरीके से आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चुका ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को करना भाई एक बार, सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन को हल करिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, करिए भाई। तो देखते भाई क्वेश्चन क्या है भाई, कि तीन पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखो भाई क्या कह रहा भाई, कि 3 तो मैन आदमी जो 18 दिन में करते हैं बराबर, 6 क्या भाई बच्चे जो काम 18 दिन में करते हैं, सी का मतलब चिल्ड्रन, तो 18 से 18 गया भाई और 3 का भाग दिया 2 बार, मतलब कह सकते कि 1 मैन = 2 बच्चे, 1 मैन = 2 बच्चे आ गया अपने पास में। और अपन को क्या पूछा भाई कि 4 मैन + 4 बॉयज, सॉरी चिल्ड्रन, ये कितने दिन में काम करने वाले, ये बात अपने को पूछी उसने। तो देखो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 मैन की जगह अपन क्या लिखेंगे, 6 बच्चे, 1 मैन की जगह 6 बच्चे लिखेंगे अपन, ये तो पूछा। तो क्या करेंगे अपन, 3 मैन है तो अपन 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, मैन इंटू 18, तो मैन को हटा देंगे, 6 × 18 हो गया बराबर 2 मैन की जगह तो 4 मैन, तो 8 मैन हो गया, क्या हो गया 8 चिल्ड्रन + 4 टोटल कितने हो गए, 12 चिल्ड्रन। तो 12 तू ही कह रहा है कि भाई ये कितने दिन में करेंगे, एक्स दिन में करेंगे, 6 का दिया भाई कितनी बार, 2 बार, और 2 का दिया तो ये 9 बार, तो ये टोटल मिलके भाई 9 दिन में काम करने वाले हैं। कितने दिन में भाई, 9 दिन में बच्चों काम करने वाले हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया भाई 9 डेज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ गया कि 4 बच्चे और 4 मैन टोटल मिलकर इस काम को 9 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन, वो आप स्वयं को करना है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये ही टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, करिए भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों को आपको सभी को करना भाई, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों की जो पहले वाला क्वेश्चन होता है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। अदरवाइज वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन में आपको हल नहीं होगा। तो करिए एक बार सभी, और एक बार भाई सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करता तो बनता भाई, जितने देख रहे वो तो लाइक करो भाई कम से कम। ठीक है भाई, देखते भाई क्वेश्चन क्या। यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं तो 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये अपन से पूछा भाई। देखो भाई अपन से पूछा है कि 15 तो क्या है आदमी और 20 बॉयज, तो देखो दोस्तों कि 6 तो क्या भाई, 6 मैन प्लस 8 बॉयज, ये कितने दिन में काम कर रहा भाई, 10 दिन में बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉयज ये काम करते हुए कितने दिन में, 2 दिन में। और अपन से पूछा है 15 मैन प्लस 20 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे भाई, ये बात अपन को पूछी उसने। तो देखो भाई अपन क्या बच्चों सभी को गुणा करते अपन, तो 60 क्या हो गया भाई, इसको गुणा किया तो 60 मैन प्लस 80 बॉयज हो गया बराबर 26 दूना 52 क्या भाई मैन हो गया, प्लस 48 दूना 96 क्या भाई यहाँ पे बॉयज हो जाता है। इस प्रकार चीज निकाला अपन ने, तो अपन क्या करेंगे 60 तो मैन है और इधर 52 तो 8 क्या बचा भाई मैन, 8 मैन बराबर 80 और ये 96 तो 16 बचा भाई, 16 क्या हो गया बॉयज हो गया, ये दिया भाई इसमें दो बार गया तो एक बॉयज बराबर अपने पास में आया, सॉरी एक मैन बराबर अपने पास में आया 2 बॉयज आया, ये अपने पास में आया अपन को निकालना ये। तो एक मैन बराबर 2 बॉयज तो 15 मैन बराबर कितने हो जाएंगे, 30 बॉयज, तो क्या करेंगे 15 और मैन की जगह अपन क्या लिखेंगे 2 प्लस 20 बॉयज, तो क्या अगर 30 प्लस 20 टोटल हो गए 50 बॉयज हो गए, यहां तक आएगा भाई 50 बॉयज सभी की समझ में आए। अब क्या करेंगे इसको इस बारे में रखेंगे भाई, एक मैन बराबर 2 बॉयज तो 6 मैन बराबर कितने हो जाएंगे 12, क्या हो जाएंगे 12 बॉयज, तो क्या करेंगे 12 गुणा 10 और बराबर कितने हो जाएंगे 50, ये हो जाएंगे भाई सॉरी 8 20 हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक मैन बराबर 2 बॉयज है तो 6 मैन बराबर 12 और 8 20 20 गुणा 10 ये हो जाए इस टाइप से, 1 0 से 1 0 गया, 4 का भाग 5 का भाग 4 बार गया तो टोटल कार्य भाई कितने आ गए 4 डेज। अपन कह सकते कि 20 तो बॉयज और 15 मैन बराबर क्या भाई 4 दिन में इस काम को टोटल काम को कंप्लीट कर देंगे भाई, वो क्या भाई 15 मैन प्लस 20 बॉयज इस काम को कितने दिन में करने वाले हैं 4 दिन में इस काम को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन आसान तरीका से समझ में आए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ये तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, सभी को एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट है दोनों क्वेश्चनों में, तीनों क्वेश्चन जो करवाए उनमें। तो अगला क्वेश्चन और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा भाई, और ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी को करना भाई ये वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का आधारित ये क्वेश्चन को आप सभी को करना है। और लास्ट भाई तो एक बार शेयर और कर दीजिए सभी विद्यार्थी वीडियो को, आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, करिए ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट लगा लीजिए भाई, करिए भाई, कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकती तो इसी काम को 8 महिला और 5 पुरुष मिलकर कितने दिन में करें? क्या कह रहा भाई इस काम को, कि 8 क्या भाई मैन जो 20 दिन में काम करता है बराबर, फिर कह रहा है कि 8 महिला वुमेन जो कितने दिन में कर रही भाई, 32 दिन में काम कर रही है, तो अपन को पूछा भाई 5 मैन प्लस 8 वुमेन टोटल कितने दिन में इसको करेंगे मिलकर, ये बात अपन से पूछ रही। तो देखो भाई यहां तो 8 से 8 गए भाई, यदि अपन ने भाई किसे 4 का भाग दी तो 5 बार और 4 का भाग दी तो 8 बार, तो 5 मैन बराबर 8 वुमेन बराबर, ठीक। अपन को चाहिए क्या भाई कि 5 मैन और 8 वुमेन मिलकर कितने, 5 मैन की जगह 8 लिख देंगे तो 8 वुमेन